हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT Reacts। उम्मीद है जी खैर खैरियत से होंगे, आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है जी नवी मुंबई 4K सिनेमेटिक वीडियो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान सिटी। तो हमने हमने बेंगलोर का देखा था, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखा था, हमने हैदराबाद सिटी को देखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं नवी मुंबई। तो मिलकर देखते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। यूज हेडफोन्स। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, लार्जेस्ट प्लेन्स। देखने में तो बड़ी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज एक्सेप्शनल। पूरे मेरे ख्याल में एशिया में इसके कंपैरिजन की कोई सिटी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं, इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, फाइनेंशियल हब है एक तरह का, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए इतना कुछ रखा गया है, और उसके अलावा लैंडस्केप इतने अच्छे हैं, स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जो कि किसी सिटी में मतलब ना हो। इस सिटी में कोई ऐसा कोई पार्ट छोड़ा नहीं गया लाइफ का कि अगर किसी को उस चीज़ की ज़रूरत हो और वो आपको नवी मुंबई में ना मिले। दूसरा, क्योंकि प्लान्ड सिटी है तो हर चीज़ इस तरह से मतलब कंस्ट्रक्ट की गई है कि वो एक लग रहा था जैसे एक मतलब वेस्ट में जो सिटीज़ बनाई जाती हैं उसके वाली फीलिंग मिल रही थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में से कोई जो है बाहर जाने के बजाय वो नवी मुंबई में ही सेटल हो जाए तो क्या बात है। बड़ा अच्छा था जी, और इससे हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सबक लेना चाहिए कि
कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना कुछ कहते हैं, तो कहाँ इंडिया ने ना सिर्फ मुंबई को मैनेज किया हुआ है बल्कि मुंबई के साथ नवे मुंबई भी जो है ना डेवलप कर लिया। तो मुंबई शहर जो था वो समझ लो 3 टाइम्स जो है उन्होंने बढ़ा लिया, और आप लोगों से एक कराची नहीं संभल रहा। जी ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारा जिस तरह इकोनॉमिक हब है कराची, और आजकल जो उसका हाल है वो कहीं से भी एक डेवलप क्या वो एक बिग सिटी कहीं से देख कर नहीं लगता जो उसका हाल इन्होंने कर दिया है। कुछ सीखो यार मुराद अली शाह साहब, कुछ सीखो। सिंध सरकार को हम पैगाम देंगे, ज़रा मुंबई सरकार से कुछ सीखें कि किस तरह से जो है ना सिटीज़ को डेवलप किया जाता है। बड़ा देख के अच्छा लगे जी। और ऑलरेडी मुझे एक आइडिया तो था कि जिस तरह की डेवलपमेंट इस वक्त इंडिया में चल रही है तो ये कोई हल्का फुल्का सिटी होगा नहीं, लेकिन मतलब माइंड ब्लोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आउट क्लास था। और ख़ास तौर पे वो जो एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, इसके इसके टक्कर का एयरपोर्ट सिर्फ मेरे ख्याल में चाइना में डेवलप हो रहा है, बीजिंग एयरपोर्ट, जो कि वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मज़ा आया जी देख के। हम इसी तरह की मज़ीद कुछ वीडियोस ढूंढेंगे, आप लोग भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।